रजिस्ट्रेशन डेस्क है, रिसेप्शन है, उत्थे जिहड़े रिसेप्शन बैठा होगा उसको टैब होएगा एक, उहदे च नाम एंटर करेगा, एज एंटर करेगा, एड्रेस एंटर करेगा, फोन नंबर एंटर करेगा। फोन नंबर ने सारा काम अगे चलना, अगे जाके असं आधार कार्ड लिंक कर देंगे इनू। वो बाद पेशेंट उसके बाद जो वारी वो आएगी तो डॉक्टर साहब को जाएगा, डॉक्टर साहब और नाल दे कमरे बैठे आ, उत्थे जाके उसका ब्लड प्रेशर चैक होएगा, उसका बुखार चैक होएगा, जो भी चैक करना है स्टेथो नाल टूटी ला के चैक करेंगे उन्होंने। तो उसके बाद जो उन्होंने टेस्ट की लोड़ होगी टेस्ट लिख देंगे, और जिहड़ी दवाई की इमीजिएट लोड़ होगी इमीजिएट दवाई दे देंगे। उसके बाद मरीज जरा नाल लैफ्ट वाले बने आएगा, इतने छोटी जी लैबोरेटरी उत्थे अपना सैंपल देगा जिसकी रिपोर्ट नैक्सट डे मिलेगी। नाल ही दवाइया का काउंटर है, उतों दवाई ले लेगा जी कि बिल्कुल फ्री होएगी, टेस्ट भी फ्री होएगा, दवाई भी फ्री होएगी। जो नैक्सट डे वह टेस्ट की रिपोर्ट आ जाएगी तो मरीज जो दोबारा चैक करा आएगा अपना, तो वो रिपोर्ट के हिसाब न जो डॉक्टर साहब कोई दवाई बदलनी चाहे तो बदल देंगे। सो इस तरह बड़ा चंगा सिस्टम हो जाएगा, कार्ड होएगा, जो कार्ड में सारा कुछ चल जाएगा, वह मरीज का वह जो एक्सरे हो रिपोर्ट चल जाएगी, सीटी स्कैन की रिपोर्ट चल जाएगी, जो कोई टेस्ट हो रिपोर्ट चली जाएगी, ताकि जो मरीज नैक्सट टाइम आता कार्ड ही लैके आए तो कार्ड ने सारा स्मार्ट कार्ड टाइप होएगा ना। और दवाइया साड़िया सारिया फ्री ने, और जिस तरह सू लड़ेगी असं डिमांड भेजा करा, और वैनस रखी हुई ने, वैनस में दवाई जी सप्लाई हो जाएगी सू। टाइमिंग 8 to 2 फिलहाल 8 to 2 है, वो बाद आप जिस तरह रिक्वायरमेंट होएगी उस तरह अपना मॉडिफाई कर सकते हैं। 41 टाइप टेस्ट ने। सो देखो तुम बहर कोई भी टेस्ट करा, शुगर का करा 20-25 रुपये 30 रुपये तो घट नहीं होता, चंकी लबोरेटरी 60 रुपये लग जाते हैं। सो इसकी बचत ही हो जा रही है, दवाई घट तो घट भी लो तो 10 रुपये तो गली गोली को घट नहीं होंगी है ना। तो जिन्होंने ब्लड प्रेशर का गोली दो खाने पीने दिन चाहे वेख लो 300-400-500 रुपये तो बच ही जाएगा। सो पैसे बचन लोगों के जा रहे हैं, ये कोई शक नहीं है। तो आप मैंने लोगों के फीडबैक लेने, आप सारे जवाब आज के तुम देने, आप ही वेखो किस तरह काम चलता है। आयुष्मान कार्ड जरा मोहल्ला क्लीनिक तो सूँ वैसे ही फ्री है, सो इतने की लड़ ही नहीं है, वो लड़ तो प्राइवेट अस्पताल पैंती है या उत्थे लड़ पी जैसे पेमेंट करनी होंगी। आयुष्मान कार्ड से रिवाइव कर रहे हैं, पेमेंट्स कर रहे हैं, तो पिछले पढ़िया होना कि सारे हॉस्पिटल की पेमेंट पेंडिंग चल रही है 250 करोड़ दी, उसे 100 करोड़ दिता उन्होंने। सो असं ना पेमेंट्स कर रहे उन्होंने, और आयुष्मान भी जिंदा रखा, लेकिन असं अपना म्यार इन्ना ही चुक देना हस्पतालों का, जिमें दिल्ली साढ़े हस्पताल ने ना, उत्थे आयुष्मान कार्ड की लड़ नहीं पैंती, इलाज वैसे फ्री हो जाता। मैं पता गल की कर रहा, देखो एवं मैं जो मर्जी कही जावगा वो जो मर्जी कही जाएंगे, आप 10-20 दिन देंगे, फिर तो लोगों को पुछो इलाके उन्होंने फायदा होया कि नहीं होया, जो होया फिर आप जवाब उन्होंने दे दिया करो या सानू जवाब दे दो, किसी मेरे गल आवे ना।